मध्य प्रदेश के मंत्री के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री कवासी लखमा ने विवादित बयान दिया है, जहां राज्य के धमतरी जिले के कुरूद में पट्टा वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने अपने क्षेत्र कोटा की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गाल जैसे कर दी। वहीं मंत्री लखमा ने कहा कि हमारे क्षेत्र की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी है। बता दें कि धमतरी के प्रभारी मंत्री लखमा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में मंत्री बने मुझे अभी कुछ ही महीने हुए हैं और मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता हूं, लेकिन मैंने उस क्षेत्र में ही सड़कें बनवाई हैं, बिल्कुल हेमा मालिनी के गालों जैसी। जबकि मंत्री द्वारा दिए गए इस विवादित बयान पर भाजपा ने पलटवार किया, साथ ही भाजपा नेता रविकांत चंद्राकर ने इसे कांग्रेस का संस्कार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने में भी नहीं झिझकती और वह कांग्रेस किसी महिला सांसद का सम्मान क्या करेगी। पलटवार तो आ गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी में भी कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि कहने बनाने लायक लोग नहीं है, यानी कि बीजेपी में भी जब बयानों का दौर जारी रहता है तो ये मर्यादाएं जो हैं वो बीजेपी वाले भी भूल जाते हैं। और उन्हीं की ही जो बीजेपी विधायक है साधना सिंह, और उन्होंने मायावती पर टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने बोल दिया था मायावती की तुलना करते हुए कि ना वो नर है ना नारी, यानी कि किन्नरों से तुलना कर दी थी। हालांकि बीजेपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए फिर उन्होंने माफी मांगनी पड़ी, लेकिन ये बात सोचनी होगी कि ये लगातार राजनेताओं की इतनी ज्यादा बदतर जवान कैसी होती चली जा रही है। समय बदल रहा है उन्नति की तरफ, जहां देश आगे बढ़ने की सोच रहा है तो राजनेता थोड़ी और बैकफुट पर जाने की सोच रहे हैं, इतिहास को दोहराने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये हेमा मालिनी के गालों की तुलना जो है वो पहले की जा चुकी है। और हमारे साथ जो पैनल मौजूद है इससे हम समझेंगे कि क्यों ये राजनेताओं की जुबान जो है वो इतनी ज्यादा गंदी होती जा रही है। क्या ऐसे ही राजनेताओं को हमारे मंत्रिमंडल में या फिर यूं कहें कि देश में राज करने का जो औधा दिया गया है, क्या उस औधे पर वो उसी तरह रह सकते हैं? क्योंकि ये दर्शाती है कि अगर आपका पूरा कैबिनेट अगर इस तरह होता जाए या मंत्री इस तरह से जुबान अगर बोले तो ये सोचने वाली बात होती है। तो कब सुधरेगी जुबान? हेमा के गालों से की सड़कों की तुलना, छत्तीसगढ़ के मंत्री का विवादित बयान। तो विवादित बयान मंत्री का आ गया। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के, आपको बता दें कि पीसी शर्मा ने विवादित बयान दिया था, वहां पे उन्होंने बोल दिया कि बीजेपी क्या सड़कें बनवाती है, और बीजेपी अगर ऐसी सड़कें बनवाती है जब पानी बरसता है तो सड़कों का जो सही रूप है वो निकल कर सामने आता है। और साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया कि हम सड़क बनवाएंगे तो हेमा मालिनी के गालों जैसी। ये 16 अक्टूबर 2019 की हम बात बता रहे हैं, और उसके बाद से मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के सरकार में मंत्री रहे लखमा साहब ने ये बोल दिया कि जो सड़कें हम बनवाएंगे और बनवाई है नक्सल एरिया में वो हम हेमा मालिनी के गालों जैसी बनवाएंगे। यानी कि एक तरफ नारी को सशक्त करने की बात कही जाती है, नारी को रिस्पेक्ट देने की बात कही जाती है, और नजरिया जो है वो इतना गंदा है लोगों का कि अपने नजरिए से वो कहां की तुलना कहां पर कर देते हैं ये समझ में शायद इनको नहीं आता है। हमारे साथ डिबेट में मौजूद पैनलिस्ट, एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं। हमारे साथ विजय निगम वरिष्ठ पत्रकार, साधना जग्गी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आलोक सोती सामाजिक कार्यकर्ता, आप तीनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत। पहला रिएक्शन साधना जी आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का नजरिया छोड़िए, राजनेताओं का नजरिया इस तरह होता जा रहा है और नजरिए जो है वो जुबान में तब्दील होते जा रहे हैं। इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करना और सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से करना, ये बताता है कि किस तरीके की पर्सनालिटी वो शो कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं घोर शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ जो इन्होंने कहा है, परंतु आप उनकी मानसिकता देखिए, क्या सॉर्ट ऑफ सिक मेंटालिटी, कोई सैनिटी होती है कुछ होता है? आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो कहाँ, सबसे बड़ी हमारी कलाकार सांसद तो वो है ही, मैं कला की पुजारी हेमा जी, आज बच्चे बच्चे की आइडियल रही है, आज वो 71 की हो गई है, और मैं उनसे 2 बार पार्लियामेंट में मिली हूँ, इतना अच्छा ऑरा है उनसे मिलकर, इतना अच्छा लगता है उनका व्यक्तित्व, जो उनका गरिमा वही व्यक्तित्व है, उनके लिए ये शब्द सुनकर आज बहुत हमारी शर्म से आंखें झुक रही हैं। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट हमारे देश का, अगर ये जिस चेयर पे जो हमारे लीडर्स बैठे हैं अगर वो ये कहेंगे तो आप आम जनता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो किस तरीके के रिमार्क कसेंगे, वो क्या करेंगे? उन्होंने जो ये कहा है,
मैं इसके लिए घोर एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनको शोकॉज नोटिस इशू कर देना चाहिए और उसको इसका जवाब देना चाहिए, इसका मानहानि का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, किसी भी कीमत पे उनको बख्शा नहीं जा सकता। पहले अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जया प्रदा जी के लिए क्या क्या बोला गया है आपके चैनल के माध्यम से, मैंने 3-4 डिबेट्स की हैं, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी को नाचने वाली सड़क पे रहने वाली इसका आंचल उठा के हम चलते थे, कोई कोई रिमार्क्स की कोई आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो व्हाई आर वी वेटिंग, या वेटिंग फॉर व्हाट, है ना। इतने सारे हमारी नारियों के जो एनजीओज हैं सब हैं, हम लोग खुद एक नारी हैं, हम उधर से बात करते हैं कि नारी को एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देंगे और 33% हम लोग देंगे, 50% की सहभागिता देंगे, परंतु हम कहाँ जा रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी क्यों नहीं बदल सकते हम लोग। ये जो मंत्री पद पर हैं जिसको हम लोग चुनकर भेजते हैं, हमारे पूरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारा आइडियल है, वो अगर ये बोलेंगे तो हम लोग बाकी आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दिस इज रिडिकुलस। ठीक बात है आलोक जी, समय बदल रहा है लेकिन सोच नहीं बदल रही है, खासकर राजनीति की या फिर यूं कहें कि राजनेताओं की। देखिए इसकी पृष्ठभूमि पे जाना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट दिया है बहुत साल पहले जो है पटना में जो है लालू जी ने दिया था कि पटना की सड़कें हम जबकि बार ऐसा जीतेंगे, 15 साल तक उन्होंने वहाँ पे राज किया था और बोला था कि अब क्या हम जीतेंगे तो हम ऐसी सड़कें बना देंगे जैसे हेमा जी के गाल हों। उस समय हेमा जी की पॉपुलरिटी और बहुत ज़्यादा थी, सब लोग बच्चा बच्चा उनको जानता था। कारण क्या था इसका पता लगाइए, कारण ये था कि आपने देखा था कि लालू जी के जो जोक थे, जो उनके बात करने का तरीका था, वो पीपल को कनेक्ट करता था, जिसकी वजह से वो पॉपुलर हुए और उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, इतनी बढ़ी कि 15 साल तक उनकी पार्टी ने वहां पे राज किया। साथ में जब आप सांसद में जब पहुंचे हैं वहां पे पार्लियामेंट में, तब भी वो इस तरीके की मस्खरापन करते थे और काफी मतलब पार्लियामेंट का जो स्वभाव था वो हर्षपूर्ण रहता था, क्योंकि पार्लियामेंट उस समय काफी टेंस हो जाया करती थी, स्थितियां दूर थी। तो ऐसे ही चीज आपने देखा होगा, लेकिन हमने एक और शख्सियत को देखा, बहुत अच्छी शख्सियत थी जो कि बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इसको निगम साहब भी समझेंगे, कि हुकुम सिंह यादव जी, वो भी देहाती भाषा में बहुत सुंदर था, उन्होंने बड़ी संसदीय परंपरा की और भाषा की को देखा और उसको करा। तो लोग जो चाहते हैं कि क्योंकि जो भी है जो भी पॉलिटिशियंस है हमारे क्या, जो आज भी 60% लोग गांव में रहते हैं और 40% शहर में रहते हैं, जो 60% रहते हैं वही सबसे ज्यादा वोट कास्ट करते हैं, वही सरकार बनाते हैं। तो जो भी पब्लिक का आदमी होता है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, वो पीपल से कनेक्ट होना चाहता है और इसीलिए वो इस तरीके की असंसदीय भाषा का वो प्रयोग करता है, जिससे कि वहां पर लोग खुश हों, इस बात को समझे कि क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे ये भूल जाता है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और बाणी से जो बाण निकल चुका है वो वापस नहीं आएगा, वो घूमता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, कि आपको एक सार्वजनिक जीवन भी जीना है जिसमें एक आदर्शता नामक वस्तु भी होती है, आपको आदर्श भी दिखाना है। ठीक है, वोटों की राजनीति होती है, आपको वोट भी चाहिए, लोगों से आपको कनेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन हुकुम देव सिंह जी की तरह, यादव जी की तरह अगर आप कनेक्ट होते हैं अपनी भाषा में, वो बड़ी बड़ी बात बड़ी अच्छी तरीके से लोगों के सामने कर जाते हैं, अगर उस तरीके से करें तो बेहतर होगा। नारी का सम्मान होना चाहिए, भारत में हमेशा नारी को देवी का रूप माना गया है और इसका सम्मान जो है सब लोग करते हैं, आगे भी होना चाहिए और हमेशा की तरह देखना चाहिए, चाहे वो संसद में हो चाहे वो आपके सार्वजनिक जीवन में हो, नारी का सम्मान हर जगह होना चाहिए, चाहे वो पटकथा पे हो चाहे वो सिल्वर स्क्रीन पे हो, किसी तरीके का वो अभिनय कर रही है, डांस कला का प्रदर्शन कर रही है, तो उनका जो देखने का नजरिया होना चाहिए वो एक स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है विजय जी, यानी कि लोगों से कनेक्ट होने के लिए असंसदीय अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, शायद लगता है कि राजनीति का जो स्तर है वो इस तरह हो चुका है और लोगों के जो राजनेता हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग उनसे कनेक्ट होंगे और मीडिया भी उन्हें इस पे तवज्जो देगी। ठीक बात है श्रुति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, भारतवर्ष की राजनीति पूरी तरह से जाति आधार पर आधारित है। ज़्यादातर हर पार्टी के जो नेता हैं वो जाति आधार पर सिलेक्शन किया जाता है, किसकी कितना परसेंटेज है, किस क्षेत्र में कितना परसेंटेज है,
और वो कितना बोल सकता है, कितनी तेजी में, कितना वो मतलब शोर मचा सकता है, ऐसे लोगों को ही नेता बना दिया जाता है। तो जब नेता, नेताओं की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं है, और हम केवल और केवल हर जाति के लोगों को संतुष्ट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से, जैसा कि अभी हमारे श्रोती जी बता रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में 60% लोग, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में इनसे जो लीडर बन करके आते हैं, लीडर का मतलब ये है कि वो अपनी जाति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उनके यहाँ चूंकि शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा का अभाव होने के साथ साथ जब राजनीति में पार्टियाँ उन्हें का सिलेक्शन करती हैं तो भी वो इस बात का कहीं भी ध्यान नहीं रखती कि किस व्यक्ति की कैसी भाषा शैली है, कैसा कितना उसका ज्ञान है, कितना उसे मतलब सामाजिक ता में कितना जुड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि वो कितना वोट को कलेक्ट कर सकता है, कितना बड़ा बाहुबली है अपने क्षेत्र का। तो ऐसे जब नेता आएंगे तो इस प्रकार की बातें आपको नज़र आएंगी, और वो इसलिए नज़र आएंगी क्योंकि उनकी रहन सहन, उनके घरों में उसी प्रकार की बात होती, उनके समाज में उसी तरह का, जैसा कि अभी श्रुति साहब कह रहे थे कि भाई मजाकिया नेचर होता है लोगों को इस तरह, लेकिन मजाकिया नेचर होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी महिला को किसी समय पर कुछ भी बोल दें। तो इस बात की ध्यान दे, ये तभी संभव है कि जब उनकी सच्ची अच्छी प्रकार से शिक्षा हो, उनकी अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग दी गई हो, और उन्हें ये मालूम हो कि हमें किस तरह से किसी बात को रिप्रेजेंट करना। लोकतंत्र में संभव कहाँ है ये सब? अब लोकतंत्र में आप कह रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ नेता उसी को बना दें जो बाहुबली है, धनबली है, या किसी प्रकार की उसकी शब्दावली भी ठीक नहीं है, तो फिर लोकतंत्र तो गिरता ही जाएगा, फिर उसमें कुछ संकुच सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो नेता है, जिस वर्ग से आया है, जैसा उसका रहन सहन है, जैसी उसकी बातचीत करने की तरीका है, वो घर में जैसे करता है अपने यहाँ, तो वो समाज में भी वैसे करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो राजनेता है वो घर का व्यक्ति नहीं है, वो एक सामाजिक लीडर है, और उसे समाज में रह करके अपने शब्दों को किस प्रकार से प्रयोग करना है, समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, या किसी महिला के बारे में बहुत तरीके हैं तारीफ करने के लिए, रोड बनाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक महिला का तो सहारा लेकर के ही कहा जाए। मैं तो ये समझता हूँ 30 साल पुराने, जैसे आलोक जी ने कहा कि लालू जी ने कहा था कि पटना में 15 साल तक राज किया, उसके बाद उन्होंने कहा था कि पटना की सड़कें वैसे बनवाएंगे, तो वो पैटर्न बन चुका है। श्रुति जी, पैटर्न को वो चेंज ही नहीं करना। अरे आजम खान साहब तो उससे एक स्टेप आगे निकल चुके हैं। आजम खान ने जया प्रदा जी के लिए क्या कहा था इसी चुनाव में सबके सामने, वो पैटर्न जो एक बन चुका है, चाहे वो नेगेटिव पैटर्न हो, उस नेगेटिव पैटर्न में भी मुझे ये लगता है कि राजनेता जो शब्द है कि राज अलग कर दीजिए और नेता अलग कर दीजिए, वैसे राजनीति में राज अलग कर दीजिए, नीति से भी लोगों की बस्ती, और नीति भी इस तरीके की हो चुकी है कि उसको शब्दों में अगर बोला जाए तो वाकई सोच के भी और बोल के भी शर्म आती है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है आलोक जी, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजनीति में, और विशेषकर हम जब देखते हैं कि चुनाव का वक्त आता है, कन्विंसिंग का वक्त आता है, तो उस समय राजनेता अपनी सारी सीमाओं को नाक जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं, बस उनको तो बस भीड़ और वोट, भीड़ जो है वोट में बदलती हुई नजर आनी चाहिए, बस इसी जीवन में लगता है वो जीते हैं, जैसे कि कहते हैं कि बिल्ली के सपने में छिछीरे आते हों, तो वो स्थिति राजनेताओं की हमारे क्या है। दूसरी बात, जैसा कि विजय निगम जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि हमारे क्या जो लोकतंत्र है उसमें अभी इतना सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ है कि अच्छे लोग ऊपर उभर के आए और वो राजनेता बने। जो जमीन से जुड़े हुए जो हैं लोग हैं, जो बाहुबली हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास जो है आर्म्स ताकत है, वो लोग जो है उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे क्या शिक्षा का स्तर जो है अभी भी बड़ा निम्न है। कुछ ही स्टेट हैं जिनके कुछ शहर आप कह सकते हैं वो वहां पे आपको शिक्षित लोग मिल जाएंगे, और उनका जो वोट बैंक
बैंक है उनका मिलेगा, लेकिन अगर पूरे भारत में आप देखिए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, दो चार शहर छोड़ दीजिए, बाकी सब आपको ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा, जहां शिक्षा का अभाव होगा, बेसिक एम्यूनिटीज का अभाव होगा, वहां पे वही व्यक्ति काम आता है जो वहां का लोकल होता है, लोगों की जो है काम अभिलाषा को पूरा करता है, उनके छोटे छोटे काम जो होते हैं शासन प्रशासन से उनके कराने के काम में आता है। तो ऐसी स्थिति में जब भाषण देने की बात आती है, भीड़ को लुभाने की बात आती है, तो जो राजनेता है वो अपनी भाषाओं को अपनी सीमाओं को लांग जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि बड़े मर्यादा से जो है बिल्कुल। एक चीज और मैं कनेक्ट करना चाहूंगी इससे, आलोक जी, मुझे ये लगता है कि जो जितनी भी ज्यादा क्राइम होते हैं औरतों को लेकर, लड़कियों को लेकर, ये उनकी सोच और मानसिकता को ही लेकर होती है। और ये बिल्कुल सच बात है कि हमारी जो इंडियन, अगर हम देखा जाए स्ट्रक्चर पूरा, तो अर्बन और रूरल एरिया का स्ट्रक्चर देखा तो रूरल एरिया में पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा होती जी, है जी, जी। तो वहां पे भी अगर हम देखें कि अगर राजनेता इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, वहां के लोग भी जो है वो इस बात को तवज्जो दे रहे हैं तभी वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मानसिकता वहां के लोगों की भी होती है और मुझे लगता है इसीलिए क्राइम जो हो रहा है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। जी 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 बिल्कुल सही कह रही है कि क्राइम्स अगेंस्ट वोमेन, क्राइम्स अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड वहां पे इसलिए ज्यादा है कि जो पुरुष की मानसिकता है कि साहब हम जो है सुपीरियर है महिलाओं से, इसको कहते हैं लिंक डिफरेंशिएट करना। तो जो ये जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की जो फिनोमिना है वो आपको ऐसी जगह मिलेगा जहां पढ़ाई लिखाई का प्रतिशत कम होगा, स्त्रियों को दबा के रखा जाता है, उनके रिसोर्स को, उनके पोटेंशियल को ऊपर आने नहीं दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई सामाजिक परिस्थितियां हैं जो कि समय समय पर सामने आती हैं और देखी जाती हैं। श्रुति जी, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, देखिए राजनीति में जो कुछ भी अभी बता रहे थे, एक्चुअली ये है कि राजनेता, हमने बताया ना कि बाहुबली और जो धनबली है वही है, ऐसा नहीं है कि समाज में गांव के लोग बिना पढ़े लिखे हुए भी लोग, बहुत से ऐसे परिवार हैं वो चाहे छोटे वर्ग के हों या बड़े वर्ग के, ये कुछ भी नहीं, कहीं भी चले उनके यहाँ शालीनता से लोग बात करते हैं, शालीनता। लेकिन राजनीति एक ऐसा है कि जिसमें सीधा या सच्चाई से बोलने वाला व्यक्ति को राजनीति में कहीं भी अवसर नहीं मिलता। अवसर किसे दिया जाता है? जो कितना बाहुबली है, जो कितना अपना समाज में को बरगला सकता है, जनता को भेड़ बकरी की तरह से ट्रीट कर सके। एक जैसे अभी बता रहे थे कि चुनाव के समय में जो जनता इकट्ठी होती है, जो सपा वाली सपा के लिए इकट्ठा हुई है, तो वो बीजेपी के लिए कुछ भी बोलते हैं तो वो तालियां बजाने लगते हैं। तो एक्चुअली अभी जनता ने भी, हमारी इतनी शिक्षित नहीं हो पाई जनता, अभी ये समझ नहीं पाई कि कैसे लोग ये राजनेता बन जाते हैं और केवल शब्द वाक में गुमराह करते रहते हैं। इसीलिए शब्द वाक के गुमराह होने के कारण ही हमें जो ये तमाम महिलाओं के प्रति जो एक तरह असम्मान की बातें नजर आती हैं और फिर हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत होती है। कारण ये है कि राजनीति में अगर उसमें पार्टियों में कोई एक रूल हो ना, शिक्षा दी जाएगी, उनकी ट्रेनिंग होगी, तब राजनेता बनाया जाएगा। ऐसा कोई पार्टी करने के लिए तैयार भी नहीं होती, सिर्फ ये देखती है वोट के लिए, वहां से कितने आ जा रहे हैं, कितना आ जाती है ना, अरे विजय जी, बस ईगो ईगो आती है। विजय जी, ईगो नहीं, सत्ता प्यारी है सर, सत्ता प्यारी है तो कैसे वो करेंगे? कि अगर वो अपने लिए भी तो गड्ढा खोद देंगे ना, अगर एजुकेशन को बढ़ावा दे देंगे तो कैसे सत्ता में वो राजे? एक ट्रेनिंग कैंप हो, एक जैसे आगे ये लोग अब्रॉड जाते हैं सारे राजनेता, बींग सोशल वर्कर मतलब सामाजिक चिंतक होने के नाते भी मुझे लगता है कि महिला मोर्चा को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साधना सिंह है बीजेपी विधायक, और कुछ दिन पहले जब लोकसभा का दौर था तभी उन्होंने ये चीज बोली थी और बीजेपी से ही थी, कि जहां पर उन्होंने मायावती मतलब एक स्त्री होने के नाते और आप एक दूसरे महिला के ऊपर ये टिप्पणी कर रही हैं कि ना वो नर है ना नारी, किन्नर से आप तुलना कर रही हैं, तो बहुत आपत्तिजनक है। तो ये बातें सिर्फ ये मुझे लगता है कि ये जो महिलाओं के लिए टिप्पणी निकलती है इस वजह से पुरुषों के द्वारा, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि महिला ही एक दूसरी महिला का सम्मान नहीं करती हैं, तो जब महिला ही नहीं सम्मान करती है तो पुरुष तो वैसे भी नहीं करेंगे, ये मेंटालिटी बिल्ड हो चुकी है लोगों की। इसके लिए आप पुराना थोड़ा सा देखिए, आप मुगल काल से देखिए, एक टाइम पे वस्तु माना जाता था स्त्री को, मतलब सबके सामने इतिहास है, बिल्कुल एक कमोडिटी माना जाता था कि ये एक वस्तु है, उसको कभी ये तो समझा ही नहीं गया कि उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी ताकत, कितने कितने देशों में उसको वोट देने का अधिकार नहीं था।
तो वो जो मेंटालिटी है वो उसके कहीं कीड़े अभी ऐसे लोगों में पनप रहे हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं। वो अभी भी इन शब्दों का, उनके अंदर कोई संस्कार नहीं है, उनके अंदर कोई शालीनता नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, तभी वो उनके अंदर वही कीड़े पनपते हैं और कुलबुलाते हैं और वो वही बोलते हैं। उस नजर से उनका नजरिया ही गलत है। उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, वही मैं बता रही हूँ ना, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें उनकी ईगो भी ना हर्ट हो और सत्ता जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक कंपलसरी, जैसे ही आप सेलेक्ट हुए, कंपलसरी कैंप्स हो जाएं, कंपलसरी क्लासेस हो जाएं, प्रमोशन कैंप्स हो जाएं, वो हर, मैं इसके लिए सजेशन भी दूंगी हर जगह, वो एक 5 दिन का, 6 डेज का एक वर्कशॉप कह लीजिए, तो वो तो वो होता स्टार्ट ही है, वो होता है, उसमें ये टॉपिक क्यों नहीं होता? होता है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को भी कहते हैं, जब भी लैंग्वेज अगर बिगड़ती है तो स्पीकर साहब उसको कहते हैं इसको नोट नहीं लिया जाएगा। और एक चीज ऐड होनी चाहिए ना, इनके ऊपर फाइन होना चाहिए, इसके ऊपर उनको 3 दिन 4 दिन के लिए टर्मिनेट करना चाहिए। और इस किसी भी तरीके की अगर उन्होंने किसी स्त्री के लिए कि अनुचित शब्दों का प्रयोग किया तो उसको 5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए संसद से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको 1 मंथ का वेतन नहीं मिलेगा। इस तरीके का संशोधन आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत हो गया। आजम खान वाला आपको पता ही है कितना हुआ, उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली, वो बात भी खत्म हो गई। तो वी कांट टेक एवरी टाइम ना कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। लेकिन एक चीज और है आलोक जी, कि जहाँ बीजेपी कह रही है कि नारी सशक्त होना चाहिए, इनका एजेंडा ही है, उसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता ओपी धनखड़ ने ये बात कही थी कि हरियाणा में इनकी सरकार आती है तो ये बिहार से लड़कियां लेके आएंगे और हरियाणा के लड़कों की से शादी करवाएंगे, यानी कि हरियाणा के लड़के कुंवार रहेंगे। ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर हमें आज डिबेट करने की जरूरत पड़ रही है तो क्यों जरूरत पड़ रही है? वो राजनेता जो राज करते हैं, जिन्हें जनता चुन कर लाती है, वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जनता क्या सोच रही होगी, उनके भावनाओं को कहां तक ठेस पहुंच रही होगी, ये हम ही और आप ही समझ सकते हैं बिंगा जनता होने के नाते। देखिए, दिनकर साहब ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर आप देखिए टेक्निकली तो सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो खराब है वो हरियाणा ही का है। वहां पे जो है बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है हिंदुस्तान का सबसे खराब सेक्स रेट वहां पे है। इस वजह से वहां पे बहुत से युवा जो है वो कुमारे रह जाते हैं, उनके शादी के लिए उनके योग जो है कन्या नहीं मिलती है। तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि इस रिस्पेक्ट में कि मैं जो हूं कहीं से एक्सपोर्ट करके लाऊंगा वो करूंगा, जो कि ये भी कहना उनके लिए गलत है। उसके बेहतर होता कि उनको कहना चाहिए था कि हम सत्ता में आएंगे तो जो बेटी भ्रूण हत्या बेटियों की हो रही है उस पर हम आंदोलन करेंगे और उसको जो है रोकेंगे, और ताकि जो है हमारे यहाँ का जो सेक्स अनुपात है स्त्री और पुरुष का, बच्चे का, लड़की और लड़के का, वो ठीक हो जाए, ताकि हमारा समाज एक व्यवस्थित होकर चलने लगे। वहां पे जो खाप मानसिकता है और जो वहां की जो सुपरमेसी की जो आपने देखी है जो मानसिकता है वो बड़ी गंदी है और बहुत खराब है। अभी हमने पिछले दिनों एक पिक्चर देखी थी आपके शायद प्रकाश झा की थी, सांड की आंख, बहुत सुंदर वर्णन किया गया था उसमें वेस्टर्न यूपी में कि महिलाओं के साथ कैसे कैसे होता है, किस तरीके से सामने बात आई थी। तो कुल मिला के ये देखा जाता है कि भारतवर्ष में जो नारियों को सेकंड ग्रेड की सिटीजनशिप की तरीके से रखा जाता है गांव में, और उनको जो दबा के रखा जाता है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नहीं उठाया जा रहा है। तो ये शहर में तो अब तक काफी आगे ये सम्मान उम्मान मिलने लगा, लेकिन जैसे ही आप शहर से 5 किलोमीटर दूर जाते हैं तो इस तरीके की समस्या आपके सामने रूबरू होना पड़ता है आपको। ठीक बात है। तो आपको बता दें कि सम्मान सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि उसको महसूस करना ज्यादा जरूरी है। शब्द आपके जो भी बोले उसका चयन किस तरीके से किया जाए, उसको लयबद्ध तरीके में किस तरह बोला जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके इंटेंशन को दर्शाते हैं आपके शब्द। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया वॉच। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए, जरा जोर से कहिए मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए,
सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999। तो अमर्यादित संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, इसका दौर लगातार जारी है। 30 साल पहले से एक पैटर्न जो बना दिया गया, चाहे लोगों को कनेक्ट करने के लिए, वोट बैंक के लिए, वो आज भी 2019 में भी ये दौर जारी है। 9 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की कारण कैसे हो, इसको हम कैसे जड़ से खत्म कर पाए, लोगों की मानसिकता को कैसे बदल पाए, राजनेताओं जो हैं वो किस तरीके से अपने आप को जनता से कनेक्ट करने के लिए हेमा मालिनी के गालों की या नर और नारी की इस तरीके के स्टेटमेंट्स का प्रयोग ना करके, बल्कि अपने कामों से अपने आप को जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये ज्यादा जरूरी है। बयानबाजी के दौर पर ना आप सत्ता हासिल कर सकते हैं और ना, मुझे लगता है, अब जैसे जैसे दौर बदल रहा है वैसे वैसे अब ना जनता आपको ऐसे सत्ता में बैठाने
चाहती है ऐसे लोगों को जिनके बयान, जिनकी मानसिकता, जिनकी सोच इतनी ज्यादा गिरी हुई है। और इसी मुद्दे पे हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं। और आलोक जी, मुझे ये लगता है कि अब प्रॉब्लम्स हमने जान ली कि प्रॉब्लम एक एक्चुअली अगर 30 साल पहले जाए तो सड़क को लेकर थी। सड़क की बात है, सरकार की बात है, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन उसके लिए अगर हम नारी की प्रतिष्ठा, गरिमा को चोट पहुंचाएं और नारी को सड़क से तुलना करें तो वो सड़क और वो नारी एक नॉन लिविंग बींग और एक लिविंग बींग की तुलना हम कर भी नहीं सकते। ऐसे सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके लिए सॉल्यूशन को तलाशना भी जरूरी है। इसके सॉल्यूशन तीन स्तरीय पे आप तलाश सकते हैं। पहला, आप संसद के अंदर, वहां पे आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है, क्योंकि स्पीकर साहब सुप्रीम होते हैं, वो अमर्यादित असंसदीय भाषा पे जो है तुरंत जो है नोटिस दे सकते हैं और उसको डिलीट भी किया जाता है, वहां पे काम हो जाता है। इसके बाद एक आपका स्तरीय आता है जब चुनाव के समय में इस प्रकार की आप देखते होंगे भाषा का बहुत बहुमत बहुत रूप से करा जाता है, उस समय भी आपके पास आचार संहिता रहती है और उस समय भी चुनाव आयोग की नजर में आप रहते हैं, वहां पे भी आपको पकड़ा जा सकता है और वहां से भी कठोरतम कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। और तीसरा स्तर आता है जब आप एक सम्मान दिनों में होते हैं, सम्मान जनसभा को संबोधित करते हैं, किसी सड़क का फीता काटने गए हैं या किसी आप सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, तो यहां पे जो जिम्मेदारी होती है वो समाज की हो जाती है या उस व्यक्ति की हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना बिजी होता है उसके लिए इस बात जो हेमा जी के लिए ये बात बहुत ज्यादा माने नहीं रखती, बेचारी कहां कहां जाके किस किस से केस लड़ेंगी। तो जो हमारी जो सामाजिक स्तर की जो इकाई है उसको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, हमको अपने समाज को शिक्षित करना चाहिए और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बताना चाहिए कि इस तरीके की जो ये कैंडिडेट साहब हैं जो आपके जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं उनकी इस प्रकार की मानसिकता है, इससे बेहतर है कि इनको इस क्षेत्र में ना लाया जाए। किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को अगर हम अपने को समाज अगर अपने क्षेत्र का जो रिप्रेजेंटेशंस देंगे, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशंस देंगे, तो वो हमारे और हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर होगा। तो क्षेत्र की जनता को जवाब देना चाहिए, इस प्रकार की मानसिकता को आचार संहिता के समय चुनाव आयोग को देना चाहिए और सांसद के समय में स्पीकर साहब को, अध्यक्ष महोदय को इस कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक बात है। विजय जी, आपकी क्या राय है, क्योंकि अब उस जड़ को तलाशने की जरूरत है जहां से ये पनप रही है, और जड़ को तलाशेंगे तभी हम उसको खत्म भी कर पाएंगे, ऊपरी सतह पर काम करने से उस प्रॉब्लम का निस्तारण नहीं हो पाएगा। श्रुति जी, अभी एक चर्चा के दौर में एक बात आई थी कि पूर्व में महिलाओं को वस्तु माना जाता, तो इसको मैं सार्वजनिक रूप से बिल्कुल स्वीकार नहीं करने को तैयार हूँ। कारण क्यों कि हमारे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति का विकास या उत्थान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो वस्तु कहाँ है अगर वो सहयोगी के रूप में। सुनिए मेरी बात पहले, अभी बात को समझ लीजिए। मुगल कालीन की बात, मुगल कालीन या किसी कालीन में रहा कमोडिटीज माना जाता था, उनको खरीद फरोख्त होती थी, उनका जो है मीना बाजार लगता था। सार्वजनिक रूप में हमें चर्चा में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिला के बारे में बात आ रही है, नहीं हुई है ना कुछ लोगों की। मैं किसी महिला के बारे में मेंटालिटी अभी भी वही है, किसी महिला के बारे में गंदे विचार बोलना रखने वाला ये व्यक्तिगत व्यापति मानसिकता है, नहीं वो व्यक्तिगत है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। सुनिए, व्यक्तिगत वो होती है, अभी इस दौर में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सुधार किया जा सकता है। तो अभी श्रुति जी ने जो सुझाव रखा कि संसद और विधानसभाओं में कुछ नियम ऐसे बनाए जाने चाहिए कि जिससे कि संसद के अंदर या संसद के बाहर किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा अगर किसी भी महिला के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए भी असामाजिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए वहाँ संसद के द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी चुनाव वाली भी बात श्रुति जी ने कहा कि उस समय पर चुनाव के समय पर चूंकि लोगों को वोट चाहिए इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उस समय पर चुनाव आयोग को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। तीसरी बात जो अभी कह रहे थे सामाजिक में कौन है, पार्टियों को स्वयं अपने नियम, अपने अनुशासन के हेतु रूल्स रेगुलेशन को तैयार करना चाहिए और स्वयं पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी का जो भी मुखिया है उसको अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रयोग किए गए
महिलाओं के प्रति अपशब्दों के हेतु कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो सुधार है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में ये कह करके कि भाई हमें वोट चाहिए और वोट के लिए हम केवल बाहुबली और धनबली या कितना कौन कर जो है समाज के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह कैसे आकर्षित कर सकता है, ऐसे लोगों को ही अगर नेता बनाएंगे तो हमारी राजनीति के जो में जो स्तर है वो दिन पर दिन गिरता ही रहेगा और उसके जिम्मेदार समाज के भी लोग हैं और ट्रैक्टर भर भर के वोट देने जाते हैं। आप करेंगे क्या? जो भी जब वोट डालने जाते हैं तो ट्रैक्टर भर भर के जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भेड़ बकरी तरह जो है लोगों को ट्रैक्टर ट्राली में भर के ले जाएगा तो उसी के लिए लोग बाग वोट देंगे। उसके लिए ये बात है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि देखिए ये बात आती है जब अब एक आपने उठाई है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब नेताओं के हित की बात आती है तो वो चाहे कई जगह पेंशन उठा रहे होते हैं तब तो वो कहीं नहीं बोलते हैं कि आम जनता के बारे में आती है, जब उनके चरित्र और उनके उसके बारे में बात आती है तब वो कहीं कानून बनाने की बात नहीं करते हैं, जब उनकी शिक्षा योग्यता के बारे में आती है तब वहाँ वो कहीं कानून नहीं बनाने की करते, ना तो सुप्रीम कोर्ट तक हमने देखा कि भाई लोगों को अपराध के उनके हैं तो वो कह देते हैं भाई नहीं ये अपराधी नहीं है चुनाव लड़ सकता है। ऐसी मानसिकता को हटाने की जरूरत होगी जब लोगों को लगने लगेगा कि हमारी किसी भी राजनेता के रूप में किसी भी बात का जो है गलत प्रभाव पड़ेगा समाज में और हमारी जो वो है लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो लोगों में ऑटोमेटिकली विचार आने लगेंगे, सुधार होने लगेगा। लेकिन ज़रूरत यह है कि पार्टियों को और संसद में लेकिन एक चीज और है विजय जी, लेकिन एक चीज और है विजय जी, ये बात तो सही है कि ये जो मॉरल चीज है मॉरल एथिक्स ये अपने अंदर से ही आती है, संस्कार जो है बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है विजय जी कि आलोक जी की बात भी सच है कि ट्रैक्टर में भर के जो लोग जाते हैं और जो चुनाव के दौर में जो काम करती है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन उसके बाद जनता जो होती है वो उन्हीं को ही वोट देती है, वो समझ रही है कि उस टाइम पीरियड के लिए उनके लिए वही है सब कुछ। श्रुति जी, ये भी उसके लिए सरकार को चुनाव करानी चाहिए ना, फिर पार्टियों का चुनाव का ये हटा देना चाहिए, जैसे कि पोस्टर बैनर हटाए गए हैं उसी तरह से अब चुनाव होंगे तो राष्ट्र के द्वारा कराए जाएंगे, चुनाव आयोग के द्वारा, जिसको बोलना है जिसको कहना है जो विचार करना है हर एक को टीवी चैनल में एक एक घंटे का अवसर मिलेगा, वो अपनी बताए बात की क्या करना चाह रहा है, उसने क्या डायरी बनाई है, क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाई है, टीवी की अप्रोच ही कहां पे है, रेडियो से बताए गरीबी है, रेडियो झोपड़ी में रेडियो टीवी कहां मिलेगा, लाइट ही नहीं मिल रही है सर, रेडियो टेलीविजन तो अब घर घर है, अरे कहां पता ही नहीं है, गांव गांव में चले जाइए, गांव गांव में रेडियो टेलीविजन है। श्रुति जी आप एक गांव में एक मोहल्ले में, एक जमाना था जब मैं लखनऊ में आया था टीचर बनने के लिए तब लखनऊ में हमारे एचएल में कन्वेंशन सेंटर में एक टेलीविजन होता था तो सारे वर्कर्स और सारे टीचर्स एक जगह देखते जाते थे, अब वो बात नहीं है, अब ये आप जो मैं बात बोल रहा हूँ ये 35-40 वर्ष पुरानी बात है, अब गांव में भी कहीं ना कहीं टेलीविजन मिल जाता है, दो चार फैमिली जो होती है दो चार लोगों के पास होते हैं तो फिर ऐसी बातें हैं अगर ना तो फिर आप उनकी डायरी तो दिखाएं कि क्या बनाई है, किस विकास में क्या कहाँ गड्ढे हैं, कैसे हम इसका सुधार करेंगे। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में आनंद अग्रवाल नेता भाजपा से भी जुड़ चुके हैं और आनंद जी लगातार बयानबाजी के दौर में सड़कों की तुलना छत्तीसगढ़ के जो मंत्री कैबिनेट है कवासी साहब कवासी लखमा उन्होंने ये कह दिया कि हम सड़कें बनवाएंगे हेमा मालिनी के गालों जैसी, यानी कि सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों जैसी करना एक स्त्री का अपमान। आज भी बयानबाजी लगातार जारी है, असंसदीय अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना राजनेताओं का, और लगातार डिस्कशन में थोड़ा सा आप लेट हो चुके हैं लेकिन ये डिस्कशन में लगातार उतरता आया कि आज जो राजनेता और जो राजनीति का जो स्तर है वो ये पहुंच गया है कि अपने आप को कनेक्ट करने के लिए जनता से काम करवाने के लिए यू फिर कहें कि उन्हें मीडिया तवज्जो दे वोट पाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं बैन होना चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात आगे श्रुति जी एकदम ठीक है, हम तो पहले कहना चाहेंगे महिला का हम लोग सम्मान करते हैं और महिला का जिसने भी अपमान किया है साधना सिंह बीजेपी सार्वजनिक माफी मांगे और उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर आपके खेमे से बीजेपी विधायक साधना सिंह थी जब उन्होंने कहा था कि मायावती नर और नारी नहीं है किन्नर से तुलना की थी, तो बीजेपी तो बहुत डिसिप्लिन कहती है कि बहुत क्या कार्रवाई की
क्या कार्रवाई, और आपने सिर्फ ये कह दिया कि नहीं हम उनके बयानबाजी से हमारा वो स्टेटमेंट नहीं है, हम उससे व्यक्तिगत बयान करके पीछा छुड़ा लेते हैं आप। श्रुति जी पिछली बातों में नहीं आना चाहते हैं, हम आज की बातों में आना चाहते हैं। अगर किसी ने किया बदजुबानी और महिला के खिलाफ किया तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कहां सर, यही तो 2019 लोकसभा की बात हम बता रहे हैं कि क्या रूल्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए कि महिलाओं का अपमान नहीं, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं हम लोग महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं को अपने अच्छे आदर्श के रूप में देखते हैं। इन्होंने अगर ये किया है तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करें जो उनको हमेशा याद रहे कि हमें कभी बदजुमानी नहीं करनी। जो भी नेता करते हैं, कोई भी पार्टी का हम करते हैं, कोई भी पार्टी का करे, उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। ठीक है साधना जी, सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? देखिए मैं तो यहाँ से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले परिवार से प्रारंभ करना। माँ जो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, एक माँ होने के नाते लड़कियां और लड़के बराबर हो। जो शिक्षा हम अपनी बेटियों को दे रहे हैं वही हम अपने बेटों को दें। हमारे यहाँ ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि तुम बेटे हो तो घर का किचन का काम नहीं करोगे। हेल्प अगर मदर डॉटर से ले रही है, अपनी पुत्री से ले रही है, तो अपने पुत्र से। मैम ये आप शहर की बात कर रहे हैं, गांव में कहाँ पॉसिबल है सर? वी हैव टू स्टार्ट, कहीं ना कहीं तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। में तो चल रहा है मैडम, लेकिन चल रहा है गांव में कैसे समझाएंगे? जो शहरी पीछे है, अभी हम विकास के दर से बहुत ज्यादा पीछे हैं। देखिए कहने में बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन है, बहुत करना तो पड़ेगा। एक माँ ही परिवार की पहली इकाई है ना, पहली शिक्षिका जो है माँ है। और मैं नारी होने के नाते, दो पुत्रियों की मदर होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने अपने बच्चों को बराबर की शिक्षा दी है। और उनकी मेंटेलिटी ये नहीं होनी चाहिए कि हमें नारी को ये देखना है कि वो कम शक्तिशाली है या उसका केवल, कई घरों में ये होता है शादी के बाद क्या तुम्हारी शादी हो जानी है, तुम्हें अपने खाने अच्छे खाने और कपड़ों से और गहनों से मतलब है। तो वो चेंज करना है, वो वहां प्रारंभ कहां से होगा? एक माँ द्वारा होगा। उसके बाद हमारे स्कूल्स हैं जो नैतिक शिक्षा प्रारंभ हो रही है, पहले से बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट हुई है, पहले बिल्कुल नहीं थी। एक पूरा का पूरा पीरियड होना चाहिए एक, जिसमें नैतिक शिक्षा का पीरियड हो, जिसमें ये सारी चीजें पूरे कोर्स में एडमिट करी जाए और उसको करवाया जाए। थर्ड, समाज में जैसे कैंप्स लगाए जाए, एनजीओस हैं डिफरेंट जो जाके बताएं। अगर जैसे अभी ये हुआ है तो इसके लिए कुछ एनजीओस हैं जो सामने आए और उनको बताएं। जब तक वो नहीं, जो आपने बताया कि साधना जी, मुझे ये लगता है बच्चा तो, एक मिनट, बच्चा तो बोलता नहीं है। जब इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज बोलती हैं, जो उन्हें ये बात अगर बतानी पड़े, उसके लिए कैंप लगाना पड़े, उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़े, तो वो भी शर्मनाक है। मुझे लगता है वो भी शर्मनाक है, बहुत ही अमर्यादित। मतलब मैं उसका घोर निंदा कर चुकी हूँ, कर रही हूँ। वो उनकी अपब्रिंगिंग में कमी रही है, अगर उनकी अपब्रिंगिंग में कमी ना रही होती तो वो ये शब्द ना इस्तेमाल। मुझे लगता है कि पूरी राजनीति में ही कहीं ना कहीं कमी है। क्यों आलोक जी, बात अभी जब चर्चा में आ रही थी, जरा सा अगर अलाउ करने तो मैं तो बोलना चाहता हूं। जी जी, मैं अभी ये कह रहा था कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाने में बेटे के बराबर हमने शिक्षा दी, लेकिन आपको एग्जाम्पल मैडम कह रही थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बेटी को पेसमेकर लगा हुआ, कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक है, जन्मजात से, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में पीओ है अपनी, उससे अपनी पढ़ाई से। लेकिन जहां उसकी शादी हुई है वहां के लोग कैसे हैं? अब वो मैं ज्यादा नहीं चल, तो वहां उसको बेचारी को एडजस्ट कर, वहां फिर वो पीओ हो या राजनेता या आईएएस, वहां नहीं देखा जाता है। तब ना, तब महिलाएं यहां जो कह रही कि अपनी बेटियों को, तब दूसरे की बेटी को तब वो नहीं देखती है कि ऑफिस से वो आई होगी तो क्या उसके ऊपर लोड पड़ा। तो ये सवाल मैंने किया था, तो समाज में तो एक महिला भी महिला का सम्मान नहीं करती। अगर आप बेटी प्रॉब्लम बेटे को बराबर बताएंगे, वो जब तक बराबर नहीं, बराबर दर्जा। टॉपिक जो है वो राजनेताओं की बदजुबानी पे चल रहा है। टॉपिक से थोड़ा डेविएट हो रहा है, हम थोड़ा सा टॉपिक पे रहे हैं। बदजुबानी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं चाहूंगी कि जिसके ऊपर केसेस चल रहे हो, जो ये कह रहे हैं कि कुछ धाराएं जो है, कुछ केसेस चल रहे हैं, उनको अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि वो आगे इलेक्शन में। आपराधिक केसेस चल रहे तो जिन पे है क्रिमिनल, तो कानून है कि इतने साल तक की सजा हो जाएगी तो आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए लालू जी जो है वो नहीं कर पाते। नहीं, आरोप पे नहीं कर सकते, जब तक सजा नहीं मुकर्रर होती आरोप तो किसी पर लगाया जा सकता है। देखिए राजनेता जी, टीवी एक ऐसा माध्यम है, रेडियो एक ऐसा माध्यम है, अभी मन की बात मोदी जी का हमेशा आता रहा और करोड़ों लोगों से वो संपर्क में आते हैं। तो ऐसे ही राजनेता अपनी भावना व्यक्त करें, मतलब वी हैव टू स्टार्ट। इंडिया से बाहर भी इलेक्शन हुआ है अमेरिका। साधना जी, केवल मोदी जी को ही क्यों टाइम मिलता है? बाकी राजनेता क्यों नहीं अपनी मन की बात कर लेते हैं? क्यों नहीं भारतीय संविधान के कहां पे कौन अलाउ करेगा?
आबादवाड़ी में कौन अलाउ करेगा बता दीजिए। जो काम मोदी जी ने कर दिया वो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। मेन चीज ये है कि वो सही बात कर रहे हैं कि जो काम मोदी जी ने कह दिया वो अकेले ही मन की बात करते हैं। सोनिया जी मन की बात आकाशवाणी से नहीं कर सकती और जो बाकी नेता वो नहीं कर सकते, बात मोदी जी ही कर सकते हैं। आइए बात इस पे करते हैं कि राजनेताओं की बदजवानी पे जो बात चल रही थी उसमें सबसे उभर के जो एक महत्वपूर्ण बात जो निकल के आई है वो अग्रवाल साहब ने कहा है कि अनुसंधात्मक जो कार्रवाई है, जो डिसिप्लिनरी इनके पास जो कमेटी होती है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो पार्टी लेवल पे कि उसके खिलाफ एक्शन ले, उसके जो है आपको बर्खास्त कर सके, माफी नामा भी नहीं चलना चाहिए, इत्यादि चीजें हैं। लेकिन माफीनामा की बात क्या होता है ना सर, कि वो कम से कम अगली बार उसको टिकट ना मिले, जिसकी तरफ से आने वाले लोगों को पता रहे कि अगर ऐसी बदनामी करेंगे तो हमको जो है एमएलए एमपी बनने में हम लोग को तकलीफ होगी। अगर आपके 3 चालान हो रहे हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, आपका व्हीकल सील हो रहा है, तो उस तरीके से इसमें वो डर आनंद जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता होने के नाते बीजेपी में भी बयानबाजी का दौर रहा है, तो बीजेपी सरकार में है, सत्ता में है और बीजेपी इसकी शुरुआत करे तो मुझे लगता है कि और पार्टियां भी कहीं ना कहीं इसको फॉलो करेंगी। तो रिक्वेस्ट है मीडिया के जरिए ही कि बीजेपी में भी बयानबाजी का दौर है, वो थमे, खासकर नारी को, क्योंकि आपका एजेंडा ही है नारी को सशक्त करना, नारी को सम्मान देना, और दिया भी है, हम ऐसा नहीं करें कि नहीं दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये बात नहीं समझ में आती है। और दो पिलर्स को अगर आप जब तक उसमें कंपैरिजन करेंगे तब तक समाज आपका पैरेलल नहीं चल सकता, और समाज अगर पैरेलल नहीं चलेगा सर तो समाज कभी आगे भी नहीं बढ़ सकता है, आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे ज्यादा बीजेपी करती है। आप देखिए 3 तलाक का मामला हुआ, पूरा लड़ भिड़ के आखिरी तक उन्होंने 3 तलाक के मामले को, नारी का कितना अपमान होता था उसमें, आदमी ने एक से शादी किया छोड़ दिया, दूसरे को ले लिया, दूसरे से किया 3 तलाक किया खत्म हो गया। तो इतनी बड़ी दुर्दशा होती थी नारी की, पूछिए कि उनकी स्थिति क्या थी, उनको यही नहीं पता था। आज वो जब से लग गया मुस्लिम नारी इतनी खुश है, हर मोदी जी की माला जप रही है, तो नारी का सम्मान सबसे ज्यादा बीजेपी पार्टी ने किसी के साथ नहीं दिया। इस कानून को बनाने के लिए सबने आलोचना किया, लेकिन मोदी जी का नहीं, महिला अपमानित हो रही हैं, हम उनको सम्मान दिलाकर रहेंगे, और उन्होंने सम्मान दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया, उसको कानून बना के पटल पे ला दिया। यही लोग हैं जो नवरात्रों में देवी का पूजन करते हैं, और फिर आप लोग ये दिखा रहे हैं नवरात्रों में यही लोग बैठ के, 9 दिन मैक्सिमम हिंदू नेता 9 दिन बैठ के नवरात्रों में देवी का पूजन करते हैं, और आप एक नारी के लिए ऐसे शब्दों का, समाज में ऐसा कोई नियम नहीं जो इन्होंने बना रखा है, ठीक है, 3 तलाक देते हैं हम ये करते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, इन्होंने सब अपने स्तर पे बना रखा। ठीक बात है विजय जी, एक डर जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी चीज उसको सुधारना मुश्किल हो सकता है, तो एक डर पैदा करने की जरूरत है, और वो चाहे आप कानून के जरिए करिए, चाहे पार्टी अपने स्तर पर करे, लेकिन वो जो डर है वो पैदा होना जरूरी है। श्रुति जी, मैं इस बात पर बहुत ही अच्छी बात आपने कही। देखिए मैं बताऊं कि कोई भी व्यक्ति है या कोई महिला है, बिन भय होए न प्रीति। अगर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अदरवाइज ना लीजिएगा, मैं ही हूँ, मान लीजिए व्यक्ति, अगर व्यक्ति को भय नहीं है कि उसके परिवार में उसके बच्चे क्या बोलेंगे, तो शायद अगर मैं जो चाहूँ वो करता रहूँगा। तो जब भय होगा रहता है मुझे कि मैं इस पोस्ट में हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ, मैं इस समय पर पत्रकार हूँ, मेरी कोई भी गलती आ जाने पर पूरे पेपर में छपेगी, न्यूज़ में छपेगी, मेरा सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। तो जब व्यक्ति को भय लगता है तभी वो एक तरह से किसी चीज के अनुशासन में निगम साहब, यही तो श्रुति कह रही कि अगर हम अंडरसंड बयान देंगे तभी तो मीडिया हमको कवरेज देगा और हमको जो है लोग देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है। मीडिया कभी नहीं कहता, हम लोग तो इसी पे बैठ के जो है डिस्कशन कर रहे हैं इसी बात पे। आप कोई अच्छा बयान देते तो आज लखी साहब को हम लोग सुनते भी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। हकीकत यही है कि आप सही बयान दीजिए तो मीडिया आपको कवरेज नहीं करेगी, लेकिन लोग जो हैं वो सीधी लाइन को भी उल्टा समझ लेते हैं, ये अब मानसिकता हो गई है। मीडिया उनको भी कवर करती है जो अच्छे बयान देते हैं, मीडिया उनको भी कवर करती है जो खराब बयान देते हैं, लेकिन मीडिया खराब बयानों को इसलिए कवर करती है कि वो अपने सोच को बदले और सही दिशा में आए। लेकिन बीजेपी में भी निग्लेक्ट कर दे, जैसे खामियां पता ही ना चले तो हमारी पार्टी सबसे अच्छी। ठीक है, सभी पैनलिस्टों का जुड़ने के लिए डिबेट में बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें
हैं कि अमर्यादित संसदीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नारी का सम्मान सर्वोपरि है क्योंकि नारी और पुरुष ही समाज को चलाते हैं, तो एक वर्ग को अगर आप तवज्जो देते हैं और एक को नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी सोच और मानसिकता जो है वो बीमार है, और सोच और मानसिकता को दुरुस्त करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए आपको खुद के अंदर वो आइडियलिज्म की थ्योरी लानी पड़ेगी। अभी की डिबेट में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।